नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज अपना चौथा और देश का 73वां बजट यूनियन बजट पेश किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आम आदमी का बजट आम और आसान तरीके से, जिससे आसानी से इसको समझा जाए। हालांकि इंग्लिश में उन्होंने सदन में अपना ये डिजिटल बजट लॉन्च किया, लेकिन आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस तरीके का ये बजट है, क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर अब 30% टैक्स भी लेगी। और दोस्तों, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ा है और टैक्स स्लैब रिवाइज भी नहीं किया गया है। आपको 2 साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा जरूर मिलेगी। हालांकि उम्मीद थी कि ATC का दायरा बढ़ाया जाएगा, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल चुके एम्प्लॉयज़ को राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और ऐसे एम्प्लॉयज़ की संख्या 82% से ज़्यादा थी जो दफ्तर नहीं जाना चाहते थे। ATC के तहत निवेश और खर्चों में पुरानी जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी, वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए इसमें कोई स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया है। व्यापार की बात करें तो MSME के लिए अगले 5 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को भी प्रमोशन दिया जाएगा। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन दिया जाएगा। MSP का 2,37,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी और गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस रहेगा। महिलाओं की गृहणियों की बात करें तो महिलाएं इनकम टैक्स पर छूट, होम लोन और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर रियायतों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि 2 लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनबाड़ी बनेंगी। डायमंड और हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाकर, जेम्स पर घटाकर 5% कर दी गई है। हीरो के गहने सस्ते होंगे और नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो होगी। सोशल वेलफेयर की बात करें तो कोरोना का इतना लंबा पीरियड रहा, लेकिन क्या क्या रियायत मिली है। सोशल वेलफेयर का बजट बढ़ा दिया गया है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए प्रोग्राम शुरू होगा। पिछड़ों और दिव्यांगों के लिए 134 करोड़ रुपया, पिछड़ों और सफाई कर्मचारियों के लिए 56 करोड़, इस बार ये केवल 49 करोड़ का बजट था। अब रेलवे की बात है तो रेलवे यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। 400 नई भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेंगी। 100 टर्मिनल भी डेवलप होंगे, मेट्रो सिस्टम डेवलप करेंगे और रेलवे छोटे डेवलप करेगा। अब रोजगार की बात करें तो 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे, इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। 2022-23 में ई पासपोर्ट दिए जाएंगे जिसमें चिप लगी होगी और डाकघरों में भी अब ATM मिलने लगेंगे। PM ई विद्या का जो क्लासेस चलती हैं उसमें एक क्लास एक TV चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़कर 200 चैनल किया जाएगा और चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। तो ये आम भाषा में आम आदमी का बजट है और दोस्तों, इस बजट पर रिएक्शन लेकर के जल्दी हम आपसे मिलेंगे और जानेंगे कि आम जनता की भी इस पर क्या राय है।